हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हम नंबर्स को यानी इंटीजर्स को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू पे, चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइड मेन लिखते हैं, सबसे पहले वॉइड मेन, उसके बाद फिर यहां पे इंटीजर टाइप की वैल्यू हम लेंगे, ठीक है। और इंटीजर में क्या क्या हम ले रहे हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहली वैल्यू मैं लेता हूं एन, दूसरी वैल्यू लेता हूं रिवर्स यानी कि आरईबी, REV नाम की एक वैल्यू और बना लेता हूं, सॉरी वेरिएबल बना लेता हूं, जीरो जिसमें इनिशियलाइज कर लेता हूं, और एक वेरिएबल REM यानी रिमाइंडर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्लियर स्क्रीन लगाते हैं CLR SCR ताकि स्क्रीन क्लियर होती रहे, ठीक है। देन हमें क्या करना है, प्रिंटफ देना है यहां पर, तो मैं यहां पर प्रिंटफ लिखता हूं, एंटर नंबर्स ये दे दिया हमने। ध्यान रखिएगा, हमें स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कराना है, यहां हमें रिवर्स कराना है नंबर्स को, ठीक है। स्ट्रिंग को रिवर्स कराने का प्रोग्राम अलग होगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। तो यहां स्कैनअप लगा दिया हमने, और यहां पे करेंगे परसेंट डी, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिया एंटीजर, इसलिए परसेंट डी, यू हैव टू राइट परसेंट डी। एड्रेस ऑफ क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ एन, ओके, यहां से टर्मिनेट करिए इसको। टर्मिनेशन देने के बाद यहां पे मैं चलाता हूं व्हाइल लूप, आप फॉर लूप भी चला सकते हैं। व्हाइल लूप चला दिया हमने, और कंडीशन ये रहनी चाहिए हमारी, यहां पे जो लिखा मैंने कंडीशन सेम यही रखिएगा आप। इसको रखने के बाद नीचे जब आइएगा तो यहां पे हम करेंगे रैम, ओके, और रैम इज इक्वल टू एन मॉड्यूलो, ये 10 से क्यों डिवाइड किया इस पर हम लोग डिस्कशन अभी करते हैं, पहले प्रोग्राम बनाते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी यहां पे लिखेंगे n इज इक्वल टू n अपॉन 10, तो पहले हमने क्या किया, मॉड्यूलो किया, देन डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो n अपॉन 10 कर दिया हमने। अब क्या करना है, अब यहां पे मैं लिखता हूं REV, एक वेरिएबल REV नाम से बनाया है, ठीक है, जिसमें जीरो इनिशियलाइज किया है। तो REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस RM, यानी रिमाइंडर को इसमें स्टोर करा रहा हूं मैं, तो रिमाइंडर को स्टोर करा लिया। अब यहां प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंटफ, ओके, प्रिंटफ लिखा हमने, और यहां पे देते हैं रिवर्स, कितना दिया हमने, इसमें जाकर स्टोर होगा आरईवी में स्टोर होगा, ठीक है। तो इतना हमको करना है, और यहां से करिए इसको टर्मिनेट, और देन अब यहां पे लगाइए गेट सीएच। तो अभी गेट सीएच लगाने के पहले, चूंकि ये यहां पे हमने ब्रैकेट ओपन किया था, कर्ली ब्रैकेट, उसको पहले क्लोज कर देते हैं यहां से, ये हमारा काम पूरा हो चुका है इसका। और अब नीचे आएंगे तो गेट सीएच लगाएंगे, तो गेट सीएच लगा देते हैं, गेट सीएच, ओके, और यहां से करिए इसको क्लोज, देन फाइल पे जाइए, सेव पे जाइए, और यहां से सेव करेंगे हम। मैं लिखता हूं वाई ए भी डॉट सी, कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां से कंपाइल करवाता हूं इसको, एरर देखते हैं क्या आया है, सेमीकोलन दे दिया है जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड सिंबल ले रहा है, तो यहां पर कॉमा देंगे, REM लिखेंगे, बस हो गया हमारा काम। यहां से इसको करवाते हैं रन। अब इंटर कोई नंबर इंटर करते हैं, जैसे सपोज कीजिए मैंने इंटर किया 2 3 4, तो देखिए इसके रिवर्स ऑर्डर की प्रिंटिंग हो गई है 4 3 2, देख सकते हैं आप। दोबारा इसको रन करता हूं, अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 नंबर एंटर किए हमने, और ये 4 3 2 1 आ चुका है। फिर एक बार और चलाते हैं इसको, इस बार करते हैं 8 9 7, ये इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, ध्यान रखिएगा। आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मत लीजिएगा, इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है, यानी पहले 8 है, फिर 9 है, फिर 7 है, तो पहले 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा। तो इंटर करते ही 7 9 8 आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे हम इसमें, हम आगे बात करते हैं कि हम स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करा सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरे पुरानी वीडियोस देखिए। तो आइए अब स्ट्रिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट एच, ये हेडर फाइल हमें यहां पे लगानी है, ठीक है। तो मैं यहां पे स्ट्रिंग डॉट एच लगाने वाला हूं, आइए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। यहां पे लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ये हो गया। और बाकी ये सारे जो वेरिएबल्स मैंने बनाए थे पहले, इनको मैं इरेज कर देता हूं। हमें यहां पे बात करनी है कि हम इसको अब कैसे करेंगे, ओके। तो
चलिए ये इसका, क्योंकि हम एरे में इसको स्टोर करेंगे तो हम यहाँ कैर टाइप का डेटा टाइप ले लिए और एक वेरिएबल हम बनाते हैं ए नाम का, ठीक है। और इसमें जो है इसकी साइज हम मेंशन करते हैं 20, ठीक है। क्लार एसटीआर लगाने के बाद यहाँ प्रिंट एफ लगाएंगे, तो यहां लिखता हूं मैं प्रिंट एफ एंटर एनी नेम, ओके। अब इसको हमको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है, जो भी नाम लिखेंगे हम उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाएंगे। तो यहां लगाते हैं गेटस, ये स्कैनफ का काम करेगा और ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमने ए ले रखा है तो यहां पे ए, ठीक है। और इसके बाद यहां पे टर्मिनेशन देंगे और फिर यहां लगाएंगे strrev, यानी स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे यहां पे, और इसके अंदर हम रखेंगे ए को, ठीक है, रख दिया। और यहां पे करेंगे टर्मिनेट, टर्मिनेट करने के बाद यहां पे प्रिंट करवा दीजिए प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ लगाया हमने, करेंगे हम परसेंट एस, क्यों परसेंट एस करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रहे हैं, लिखा हमने परसेंट एस कर दिया हमने, और यहां पे ए में जाके वैल्यू स्टोर होगी तो यहां ए कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां पे देना है सिंपली गेट सी एच, ठीक है, क्या देना है गेट सी एच, तो आइए देते हैं गेट सी एच, लिखा गेट सी एच, ओके, तो ये दे दिया हमने गेट सी एच। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम एंड हुआ और इसको यहां से हम करेंगे टर्मिनेट। ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये हमारा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हमने लिख लिया है, इसको सेव करते हैं हम, देन इसको कंपाइल करवाते हैं। तो एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर, और यहां पे मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से लगा लेते हैं हम सेमी कोलन, टर्मिनेट नहीं किया इसे, यहां से टर्मिनेट कर दिया। अब इसको सेव कर लिया हमने, देन इसको अब डायरेक्टली रन करवाते हैं। तो यहां पे इंटर एनी नेम, तो यहां पे मैं नाम लिखता हूं एस यू आर ए जे, एंटर प्रेस करूं, ओ ये देखिए जे ए आर यू एस, जे ए आर यू एस, ये रिवर्स ऑर्डर में है या नहीं आप बताएं, रिवर्स ऑर्डर में है या नहीं। फिर मैं इसको करता हूं, अब देखिए यहां पे फिर मैं इसको कंपाइल करवाता हूं, देन रन करवाता हूं, ये रन हो गया। अब मैं इंडिया लिखता हूं, इंडिया, ठीक है, तो यहां देखिए इंडिया को रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। फिर मैं एक बार और इसको रन करवाता हूं, ठीक है, इस बार मैं क्या लिखता हूं अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, देखिए ये अमेरिका को भी रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है। फिर एक बार इसको चलाते हैं प्रोग्राम को, और इस बार मैं लिखता हूं रशिया, तो ये देखिए रशिया को भी A I S S U R, ये रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि इंटीजर अगर हम कराना चाहते हैं, यानी नंबर्स को अगर रिवर्स कराना चाहते हैं तो कैसे करा सकते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रिंग को रिवर्स कराना है तो कैसे करा सकते हैं। दोनों प्रोग्राम आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।